हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। अमृत को सब खाते होंगे और इसके फायदे भी जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको अमृत खाने के फायदे नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके पत्तों के फायदे की बात बता रहा हूं। अमृत के पत्तियों से ला इलाज बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। अमृत खाना बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन आज हम बताएंगे कि इसकी पत्तियाँ कितनी फायदेमंद होती है। अमरुद की पत्तियों से कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। त्वचा की देखभाल से लेकर बालों की खूबसूरती को बनाए रखने में अमरुद की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। अमरुद के साथ साथ अमरुद की पत्तियां भी औषधीय गुणों का भंडार होती है। अमरुद की पत्तियों के औषधीय गुणों और इसके फायदे के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे अमरुद के पत्तों के कुछ महत्वपूर्ण औषधीय फायदे के बारे में। आप हैरान हो जाएंगे इसके फायदे को जानकर। तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। अमरुद की पत्तियों से बनी चाय या इसका काढ़ा बनाकर पीने से मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फायदा होता है। जापान में हुए एक शोध के अनुसार अमरुद की पत्तियां अल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम की क्रिया द्वारा मधुमेह रोगियों में प्रभावी रूप से रक्त शर्करा को कम करती है। इसके साथ साथ सुक्रोज और माल्टोज को सोखने से शरीर को रोकती है, जिससे शुगर का स्तर नियंत्रण में रहता है। इसी कारण अमरुद की पत्तियां मधुमेह रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसके अलावा अमरुद की पत्तियां हृदय के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। अमरुद के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से या इसके पत्तियों की चाय बनाकर पीने से रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। यह ब्लड लिपिड और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सुधार करता है। इसके अलावा अमरुद की पत्तियों से डायरिया और पेशिज का इलाज भी किया जाता है। लगभग 30 ग्राम अमरुद की पत्तियों को एक मुट्ठी चावल के आटे के साथ एक गिलास पानी में मिलाकर उबाले, ठंडा होने पर इसे पी जाए। दिन में 2 बार ये मिश्रण पीने से कुछ ही दिनों में डायरिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा अमरुद की पत्तियों और इसकी जड़ों को पानी में उबालकर ठंडा होने पर छानकर कुछ दिनों तक पीने से पेशिच में लाभ होता है। अमरुद की ताजी पत्तियों का रस निकालकर इसका सेवन करने से सभी प्रकार की एलर्जी ठीक होती है। अमरुद की पत्तियों में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को दूर करने में मदद करता है, जो त्वचा और बालों के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं। चेहरे पर के मुहासे दूर करने के लिए अमरुद की ताजी पत्तियों को पीसकर दाग धब्बे के साथ मुहासों पर भी लगाएं। नियमित रूप से ऐसा करने से धीरे धीरे मुहासे गायब हो जाते हैं। अमरुद की पत्तियों का इस्तेमाल वजन को कम करने में भी बहुत सहायक होता है। अमरुद की पत्तियाँ जटिल स्टार्च को शुगर में बदलने की क्रिया को रोक देती है, जिसके द्वारा शरीर के वजन को घटाने में सहायता मिलती है। अमरुद की पत्तियां बालों के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। इसके लिए अमरुद की पत्तियों का पाउडर बनाकर आंवला के तेल के साथ मिक्स करके बालों पर लगाने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। अमरुद की पत्तियां मसूड़ों की सूजन और दांतों का दर्द मिटाती है। लगभग 15 से 20 अमरुद की ताजी पत्तियों को लेकर 2 गिलास पानी में जब आधा पानी शेष रह जाए तब तक उबालें। पानी जब ठंडा हो जाए तब इसे उतार कर छान कर फिटकरी और सेंधा नमक मिलाकर इस पानी से बार बार कुल्ला करने से दांतों की पीड़ा दूर होती है और मसूड़ों की सूजन भी उतर जाती है। इसके कोमल पत्तों में कत्था मिलाकर पान की तरह चबाने से मुँह के छाले ठीक होते हैं। इसके पत्तों का क्वाथ बनाकर 10 मिलीग्राम की मात्रा में पिलाने से वमन बंद हो जाती है। दोस्तों जब तीव्र अतिसार हो या गुदा भ्रंश हो तब अमरुद के ताजे पत्तों की पोल्टिस बनाकर बांधने से शोथ कम होती है और गुदा अंदर बैठ जाती है। गठिया रोग में भी अमरुद के पत्ते बहुत लाभकारी है। इसके कोमल पत्तों को पीसकर गठिया के वेदना युक्त स्थानों पर लेप करने से बहुत लाभ होता है।
अमरुद के कोमल पत्तों को पीछ छानकर पिलाने से ज्वर का उपद्रव कम होता है। दोस्तों, अमरुद के पत्ते भांग, धतूरा आदि का नशा दूर करने में भी फायदेमंद होता है। इसके लिए इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर भर पेट पिलाना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।